यहाँ पे है रोड ब्लॉक, अनबिलीवेबल। ओ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑफ स्पीति ओडिसी। एंड आज है डे 6 और अभी हम लोग हैं मूड विलेज में, विच इज इन पिन वैली। अभी आप लोग को दिखाता हूँ रूम से बाहर का व्यू। तो भाई ये है अपना डोर एंड ये है छोटी सी गैलरी एंड यहाँ पे है विंडो। और भाई साहब व्यू देखो यहाँ से, ये वाला जो माउंटेन है ये आई गेस पार्वती पर्वत है, बाकी कंफर्म करने के लिए पूछेंगे लोकल से। एंड यहीं आगे इस साइड को ये लास्ट विलेज है, ये मूड विलेज, और आगे से पार्वती पास की ट्रैक शुरू हो जाता है। तो सारा सामान पैक हो गया है, सारा सामान रूम के बाहर है यहाँ पे। एंड अभी चलेंगे बाहर, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर यहाँ से मूड विलेज में आगे घूमेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे सीधा काजा के लिए। मूड विलेज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं आता है, इवन यहाँ के लोकल्स जो हैं उनके पास फ़ोन्स भी नहीं हैं। सो अब जाएंगे सीधा फटाफट, तो जब नीचे उतरेंगे तो शायद थोड़े से सिग्नल मिलेंगे, तो घर पर एक बार कॉल कर देंगे, क्योंकि कल दोपहर से घर वालों से बात नहीं हुई है। चलो फिर, ये शुरुआत हो गई है नए ब्लॉग की एंड दिस इज़ दी डे 7। डू लाइक, कमेंट ज़रूर करना कैसा लग रहा है एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर तो कर ही दोगे। चलो फिर लेट्स गो। तो भाई मूड विलेज में हमको मिला है अपना एक दोस्त। हाँ जी, क्या हाल है? अरे भाई ऊपर ही चढ़ गया ये तो। भाई पार्वती पर्वत ये वाला नहीं है, मैंने मैप्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं, मैप्स में मैंने देखा तो ये पार्वती पास की चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है एंड पार्वती पर्वत इसके पीछे है। तो भाई यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम हैंडल लग चुका है, अब चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। तो भाई यहाँ पे मूड विलेज के एंड तक आए थे, इसके आगे रोड नहीं है एंड ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा शांत जगह है। इस वैली के पीछे से आई गेस नदी बह रही है काफ़ी तेज़, उसकी साउंड आ रही है। तो मूड विलेज को करते हैं बाय बाय, यहाँ पे थोड़े बहुत ही घर हैं बस, ज़्यादा पॉपुलेशन तो है नहीं यहाँ पे। तो ये है गली छोटी सी मूड विलेज की। तो भाई इतना सा ही है बस मूड विलेज, हाँ बस यहाँ से अब अपना ख़त्म हो गया मूड विलेज, यहीं तक था। अब नीचे उतरना है बस, फटाफट नीचे उतरेंगे और पहुँच जाएंगे काजा। सो जस्ट अ शॉर्ट ब्रेक यहाँ पे एंड थोड़े बहुत फ़ोटो लिए यहाँ पे अपनी बाइक, और यहाँ है बिरादर बिक्कू बीरो, क्या हाल है? बढ़िया चल रहा है, बस अब सीनरी थोड़ी सी कमी लग रही है। वो आप देख के कह सकते हैं क्यों लग रही है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, नज़ारे तो भाई एक नंबर। भाई अब निकला जाए यहाँ से, ब्रेक हो गया कंप्लीट और हवा बहुत तेज़ चल रही है। भाई लोग अपने आ गए हैं, बिहारी बाबू भी और बिक्कू आशु भाई भी थोड़ा आ गए हैं। चलो लेट्स गो। Thank you.
जो भी ब्रिज था ये पैदल जाने के लिए एक शॉर्टकट है जो कि सीधा जाता है तेलिंग। ये सामने छोटे छोटे घर देख रहे हो, ये एरिया को बोलते हैं तेलिंग। छोटा सा गांव है, 7-8 घर ही हैं वहाँ पे। और जो प्रॉपर रोड है वहाँ पे जाने के लिए वो आगे से है, उसके लिए आगे से रास्ता कटता है। तो ये वाला जो डाइवर्जन है, ये नीचे जो रोड जा रही है ये सीधा जाती है तेलिंग, एंड हमको जाना है इधर। तो भाई यहाँ पे है रोड ब्लॉक, पूरी ब्लॉक है, यहाँ चल रहा है काम। आई गेस लैंडस्लाइड हुई है या कुछ भी है, जो भी है। भैया बोल रहे हैं 15-20 मिनट लगेंगे, लगेगा यहाँ तो टाइम, आधा घंटा तो इजीली लगेगा। करेंगे वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा रूट भी नहीं है। देखते कितना टाइम लगता है अब यहाँ पे, फिर यहाँ से निकलेंगे। जेसीबी की खुदाई तो दिन भर देख लेंगे, लेकिन दिन भर देखने का टाइम जैसे भी अब बन रही है ये पूरी मिट्टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर का भी करो, कोई एक साइड कर दो फटाफट जिससे कि हम निकले। रास्ता क्लियर हो गया है, अब निकला जाए यहाँ से। चलो भाई। तो भाई पिन वैली एग्जिट कर रहे हैं अब, ये ब्रिज से राइट लेंगे, उसके बाद लेंगे लेफ्ट और चल पड़ेंगे काजा की तरफ। काजा यहाँ से पहुँचने में लगेगा आधा या एक घंटा। अभी रुके थे और जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ वो GoPro में अच्छे से नहीं आता, इसीलिए अभी रुक के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। तो भाई ये देखो भाई, स्ट्रक्चर्स देखो भाई पीछे, अनबिलीवेबल। ये मिलियंस ऑफ इयर्स के टाइम निकला है, तब बने हैं ये, गजब लग रहा है। ये है अपनी बाइक एंड ये व्यू है भाई, ज़ूम करके दिखाता हूँ। तो भाई वी हैव फाइनली रीच्ड काजा एंड अभी हम घूम रहे हैं काजा की गलियों में। अभी देखेंगे पहले तो कोई स्टे देखेंगे यहाँ पे, फिर स्टे देखने के बाद, रूम देखने के बाद निकल जाएंगे इधर के लिए, चीचम ब्रिज एंड की मोनेस्ट्री। आई लव स्पीति, यस आई डू। प्लान ये है कि हम लोगों ने रूम ऑलरेडी ले लिया है एंड अब निकल गए हैं चीचम ब्रिज के लिए। पहले चीचम जाएंगे, लांगजा हम करेंगे कल। तो अभी राइट नाउ वी आर लीविंग काजा हेडिंग टूवर्ड्स चीचम ब्रिज। लेफ्ट में अगर जाएंगे तो आ जाएगा अपना मनाली वाला रूट एंड की मोनेस्ट्री चीचम ब्रिज के लिए इधर से जाना होगा। भाई साहब बहुत तेज हवा है यहाँ पे और मेरे लेफ्ट साइड में इतनी सारी रेत उड़ रही है। तो भाई चीचम बिल्कुल आने ही वाला है, आई गेस 2 किलोमीटर रह गया होगा और अभी तो पूरा ऑफ रोड चल रहा है। आई गेस चीचम तक ये ऑफ रोड ही है 1.5-2 किलोमीटर का। भाई फाइनली चीचम ब्रिज आ गए हैं, अमेजिंग फीलिंग भाई साहब, क्या बात है। चीचम ब्रिज एशियाज हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, ओ भाई एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज और यहाँ से 1500 फीट का डायरेक्ट फॉल है नीचे, देखें तो ज़रा।
ओ भाई बहुत ज्यादा गहरा है वे। ऑल राइट, सो चीचम ब्रिज पहुंच चुके हैं। अमेजिंग फीलिंग है यार, चीचम ब्रिज से अपनी बाइक निकली है और पूरे में फ्लैग्स लगे हुए हैं। जब भी कोई बड़ी गाड़ी निकल रही है यहाँ से, तो बड़ी गाड़ी या ट्रक, तो पूरा हिलता है। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। तो अभी यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं एंड अभी फ़िलहाल यहाँ इंजॉय करते हैं। चीचम ब्रिज हो गया, फोटोज ले लिए, सिनेमेटिक्स ले लिए, शॉर्ट्स कैसे लगे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड नाउ वी आर लीविंग चीचम ब्रिज। क्या बात है, इधर से आए थे? थोड़ा कंफ्यूज है। तो भाई मेरी बाइक चढ़ नहीं रही है, हवा कम है ना इसमें, तो धक्का लगाना पड़ेगा। चढ़ ही नहीं रही है। पीछे मेरे यहाँ पे की मोनेस्ट्री, और की मोनेस्ट्री पे जाने का जो रोड है वो भी ब्लॉक करा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हुआ, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे तो नहीं जा पाए। अभी निकलते हैं सीधा होटल की तरफ। ओके, सो वी आर बैक एट काजा एंड रूम पे आ चुके हैं, बस अब सोने की तैयारी है। रूम में आप लोग को दिखाता हूँ। तो भाई ऐसा रूम है, वो एंट्रेंस है, यहाँ पे सारा लगेज डाल दिया है एंड इधर बैल्कनी है एक, एंड यहाँ पे डेटा कॉपी हो रहा है यहाँ पे। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डे 7 को रैप करते हैं अब। पीस आउट।